नमस्कार दोस्तों, बीते दिनों जिला फाजिलका के उपायुक्त सरदार अरविंद पाल सिंह संधु ने आंगनवाड़ी बहनों के साथ बैठक कर उन्हें कोरोना महामारी को लेकर गांवों के लोगों को जागरूक करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों ने गाँवों में अपनी ड्यूटी निभानी शुरू कर दी है। गाँव रामसरा में आंगनवाड़ी वर्करों रजनी बाला व मीरा ने घर घर जाकर कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने लोगों को बताया कि इस महामारी से बचने के लिए सबसे पहले स्वच्छता होना बेहद जरूरी है। हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करने और मुंह पर मास्क लगाने व सामाजिक दूरी नियम का पालन करने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर रजनी बाला ने बताया कि कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय जागरूकता है। रोजमर्रा के कामों के साथ साथ बार बार साबुन से हाथ धोने और आँख नाक कान और मुँह को नहीं छूने की आदत अपनाकर हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि गांव की महिलाओं को कोवा ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि सरकार की ओर से हर नागरिक के लिए यह ऐप डाउनलोड करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। रजनी बाला पिंड रामसरा आंगनवाड़ी वर्कर हाँ, जो कि कल डिस्ट्रिक्ट फाजिलका विच साढ़े मानजोग डिप्टी कमिश्नर ने कल साड़ी मीटिंग रखी सी। उन्होंने सानू दस्या कि असी फतेह मिशन ते घर घर जा के लोगों नू कोरोना बारे जागरूक करवाइए। उन्होंने असी दस्या कि असी भी मिनट बाद अपने हैंड वॉश करने, कितने बाहर जाना असी मास्क लगा के जाना है।